गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप लोगों ने पहिए तो देखा होगा, इसकी आकृति कैसी है? गोल। हाँ हाँ भाई, तो आइए आज हम इस पहिए की आकृति के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जानते हैं वृत्त किसे कहते हैं। किसी समतल पर निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। अब आया समझ में वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त के बीचों बीच स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः ओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आज हमने जाना वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं और वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो बताइए व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? चलिए हम बताते हैं। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या।